हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार यादव और सीओडीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद हम हाई स्कूल साइंस का जो बेसिक नॉलेज आपको दे रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे। आज की क्लास में हम हाई स्कूल साइंस के बेसिक नॉलेज में रासायनिक सूत्रों को कैसे बनाया जाए, अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि इस रासायनिक यौगिक का क्या सूत्र होगा, तो आप उसे कैसे बता पाएंगे। आज की क्लास में हमें यही सीखना है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आप बताइए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आपसे कोई पूछे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कुछ बच्चे इतना तो जानते हैं कि अगर सोडियम ऑक्साइड हमें बताना है तो एक तत्व तो सोडियम हो जाएगा और दूसरा तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कुछ बच्चे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बस ऐसे बताएंगे यानी AO, और कुछ बच्चे बता देते हैं यानी O2, कुछ बच्चे बता देते हैं Na2O, मतलब उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। तो सूत्र को कैसे, मतलब किसी भी यौगिक का सूत्र हम कैसे सही सही बता पाएं, वो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे सोडियम ऑक्साइड का जो सही सूत्र होगा वो होगा Na2O। यह आप आज की क्लास में सीखेंगे कि यह कैसे होता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र यही है, यह काहे नहीं है, यह काहे नहीं है, ये आप आज सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी होगी, एक तो धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन और ऋणायन। धनायन का मतलब यदि किसी परमाणु अथवा परमाणु के समूह पर प्लस का चिन्ह है तो समझ लीजिए वह धनायन है। उदाहरण के लिए जैसे हमने Na लिखा, ये Na का परमाणु है। अगर हमने H लिखा तो ये H का परमाणु है। अगर हमने लिखा NH4 तो ये परमाणुओं का समूह है, चार हाइड्रोजन के परमाणु और एक नाइट्रोजन का परमाणु, ठीक है। अब अगर हम इस पर प्लस लगा दें, इस पर भी प्लस लगा दें तो ध्यान दीजिए, पर ये परमाणु है इस पर धन का चिन्ह, ये परमाणु है इस पर धन का चिन्ह, और ये परमाणु का समूह है इस पर धन का चिन्ह। मैंने बोला परमाणु या परमाणुओं के समूह रहे और उन पर धन का चिन्ह रहे तो वो धनायन बोले जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से परमाणु रहे या फिर परमाणु का समूह रहे और उस पर ऋण का चिन्ह रहे उसके प्रतीक के ऊपर, ठीक है। जैसे इस पर ऋण लगा दिया, इस पर ऋण लगा दिया, इस पर डबल ऋण लगता है, ठीक है, लगा दिया, तो ये सब ऋणायन है। आप रासायनिक यौगिक का नाम तभी बता पाएंगे जब धनायन और ऋणायन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। और कुछ लिस्ट मैं आपको दूंगा, उसे अच्छी प्रकार से पढ़कर याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात यहां मैं और क्लियर करूंगा, तब मैं आपको कुछ धनायनों और कुछ ऋणायनों का लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या बात क्लियर करना है, ठीक है। हमारे सामने तीन चीज आएगी, आइड, आइट और एट। क्या आएगी, आइड, आइट और एट। वैसे आइड को अंग्रेजी में IDE, आइट को अंग्रेजी में ITE और एट को अंग्रेजी में ATE कहते हैं। ये कहां कहां आता है मैं आपको उदाहरण देकर दिखाता हूं। जैसे आप लिखेंगे क्लोराइड, देखिए लास्ट में आया आइड, आइड कहां आता है, देखिए एक एग्जांपल नाइट्राइट,
नाइट्राइट। एट कहाँ आता है, इसी का रेल है नाइट्रेट। तो अब देखिए कहां पर हमको जैसे देखिए यहां क्लोराइड बोला गया, हम क्लोराइट और क्लोराइट नहीं बोल सकते, क्लोराइट नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहां नाइट्राइट है, ठीक है, यहां नाइट्राइड नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ तो नियम होंगे ना कि कहां पर आइट बना मतलब बोलना है, कहां पर आइट बोलना है और कहां पर एट बोलना है। जो मैं आपको समझा रहा हूं आप बहुत ही ध्यान से समझें, आपको समझ में आएगा कहां पर आपको आइट बोलना है, कहां पर आपको आइट बोलना है और कहां पर आपको एट बोलना है, ठीक है। जैसे अगर सिंगल एटम का आयन होगा, वह भी ऋण आयन, सिंगल एटम का ऋण आयन होगा, तो उसके नाम के अंत में आप सदैव आइड लगाएंगे। बड़े ध्यान से समझे जो मैं बता रहा हूं, सिंगल एटम का आयन होगा वो भी ऋण में, सिंगल एटम का ऋणायन होगा तो उसके नाम के अंत में हम आइड लगाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल के अलावा बहुपरमाणु, देखिए सिंगल का मतलब एक परमाणु का ऋणायन होगा तो उसके नाम के अंत में हम आइड लगाएंगे। एक से अधिक परमाणु का अगर ऋणायन होगा तो उसके नाम में हम आइड नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसमें हम या तो आइट लगाएंगे या तो एट लगाएंगे, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे देखिए OH माइनस और CN माइनस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और जैसे सिंगल एटम जिसमें आइट लगेगा CL माइनस, BR माइनस और मान लीजिए F माइनस। तो मैंने बोला कि जब सिंगल एटम का ऋणायन होगा तो नाम के आगे क्या लगा देंगे, आयन। ये क्लोरीन पर माइनस है इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड आयन या फिर ऋणायन। ब्रोमीन पर माइनस है, सिंगल एटम से बना है इसका मतलब ब्रोमाइड आइड आ जाएगा, ब्रोमाइड ऋणायन या फिर आयन, फ्लोराइड ऋणायन या फिर आयन। आप देखिए मैंने बोला ना सिंगल एटम का ऋणायन होगा तभी लास्ट में आइड आएगा, बट ये तो इस बात के अपवाद है, ठीक है, या सिंगल एटम से नहीं बने हैं फिर भी इनके लास्ट में आइड आता है। जैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, यह तो अपवाद है। बाकी जितने भी सिंगल एटम के ऋणायन होंगे उन सबके नाम में क्या लगेगा, आइड लगेगा। अच्छे से आप समझ लीजिए। अब देखिए आइट और एट कहां लगेगा, आइट और एट उन मतलब के आयनों में लगेगा जो सिंगल एटम के नहीं होंगे, जिसमें एक से अधिक एटम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है NO2 माइनस और NO3 माइनस, हमारे पास एग्जांपल है SO3 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। तो देखिए जब एक ही, देखिए इन दोनों को देखिए, आपको आइट और एट समझ में आइएगा, इन दोनों को देखिए आइट और एट का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए इसको बोलेंगे नाइट्राइट और इसको बोलेंगे नाइट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब नाइट्राइट और नाइट्रेट का मतलब कि यहां पर क्यों मतलब कि बोला गया, ध्यान दीजिए, कम ऑक्सीजन है तो आई, अधिक ऑक्सीजन है तो ए। अब देखिए सल्फाइट और सल्फाइड, ऐसा सॉरी सल्फेट, सल्फाइट सल्फेट, कम ऑक्सीजन आई, अधिक ऑक्सीजन ए। एक और देखिए PO4 ट्रिपल माइनस, PO3 ट्रिपल माइनस, ये अधिक ऑक्सीजन है एट आएगा फास्फेट और इसमें कम ऑक्सीजन है तो आइट आएगा फास्फाइट। तो अगर यह आप याद रखते हैं तो आपको
आगे सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से किसी भी यौगिक का सूत्र बना सकते हैं जो आयनिक होते हैं। यह बात आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ आइट बोलना है, कहाँ एट बोलना है और कहाँ आई ड बोलना है। धनायनों के लिए ऐसा कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है, किसी भी धनायन का नाम बताना हो तो जो आपके सामने दिख रहा है उसे बोलिए, फिर आयन बोल दीजिए। जैसे अगर इसके ऊपर प्लस लगा है तो ऐसा मत बोलिए सोडियम आयड, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, इसे हम केवल क्या बोलेंगे, सोडियम आयन या फिर सोडियम धन आयन। धनायनों के नाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपको मतलब कि आइड एट ये सब समझना हो। ये आइड एट या फिर आइट केवल ऋणायनों के लिए आपको याद रखना होगा। अब मैं आपके सामने कुछ प्रमुख धनायन की लिस्ट और ऋणायन की लिस्ट दूंगा, उसके बाद रासायनिक यौगिकों के नाम बनाना आपको सिखाऊंगा। पूरा अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, आज के बाद आपको रासायनिक यौगिकों के नाम से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अब हम धनायन या क्षारीय मूल इंग्लिश में कैटायन और बेसिक रेडियम के बारे में आपको बताते हैं। मतलब जिस पर जिस परमाणु या फिर परमाणु के समूह पर धन का चिन्ह होगा वह धन आयन होगा और उसे हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री में क्षारीय मूलक आपको अच्छे समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब धन आयन क्षारीय मूलक में सबसे पहला वाला जो आएगा वह एक संयोजी आयन, अंग्रेजी में मोनोवैलेंट आयन, मतलब एक संयोजी धन आयन या एक संयोजी क्षारीय मूलक क्या होंगे, ऐसे क्षारीय मूलक या ऐसे धन आयन जिनकी संयोजकता एक हो या जिनके परमाणुओं पर या परमाणुओं के समूह परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर एक प्लस का चिन्ह हो, ऐसे आयन आपके जो होते हैं वो एक संयोजी आयन होते हैं। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, आयन का नाम, फिर प्रतीक, फिर संयोजकता। देखिए हमने कुछ यहां पर लिखे हैं, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, क्यूप्रस आयन, मर्क्यूरस आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, मर्क्यूरस और अमोनियम आयन, ये सब जो है एक संयोजी आयन है, अर्थात इन पर हमेशा एक प्लस का चिन्ह रहेगा। हाइड्रोजन आयन के लिए H प्लस, लिथियम आयन के लिए Li प्लस, सोडियम आयन के लिए Na प्लस, पोटेशियम आयन के लिए K प्लस, सिल्वर आयन के लिए Ag प्लस, क्यूप्रस आयन के लिए Cu प्लस, मर्क्यूरस आयन के लिए Hg प्लस, अमोनियम आयन के लिए NH4 प्लस। ये आप इनको याद रखें, इनके जो प्रतीक है इनको याद रखें, संयोजकता याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना इस पर चार्ज होगा उतनी उसकी संयोजकता होगी। तो इस तरह से आप यह वाला लिस्ट याद रखें। और एक बात और ध्यान दें यहां पर, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर अस समझ में आ रहा है, यहां पर अस, क्यूप्रस अस, मर्क्यूरस, तो देखिए अस का मतलब होता है कम संयोजकता वाला, कम संयोजकता वाला, मतलब अगर क्यूप्रस है तो ये कम संयोजकता वाला है, मर्क्यूरस है यह भी कम संयोजकता वाला है, तो कॉपर में एक अधिक वाला भी आएगा, मरकरी में भी एक अधिक वाला आएगा, तो वहां पर अस के बजाय एक होगा, तो कॉपर में अस का Cu प्लस होगा, मरकरी में अस का Hg प्लस होगा, कॉपर में एक का Cu डबल प्लस होगा, मरकरी में भी एक का Hg डबल प्लस होगा, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। अस एक, अस मतलब कम संयोजकता, एक मतलब अधिक संयोजकता। तो देखिए अब आपको द्विसंयोजी आयन बाइवैलेंट आयन्स के बारे में समझना है। बाइवैलेंट आयन वो आयन होते हैं जिनकी संयोजकता दो होती है,
अब चूंकि हम कैटायन पढ़ रहे हैं, धनायन पढ़ रहे हैं, तो बायवेलेंट में हम धनायनों को देखेंगे। इन सभी मतलब बायवेलेंट जो भी होंगे उन पर दो प्लस चिन्ह जरूर दिखेंगे। जैसे कि यहां पर हमने लिखा है बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, बेरियम आयन, फेरस आयन, स्टेनस आयन, क्यूप्रिक। अभी देखिए आसोरिक की बात चली थी, क्यूप्रस हुआ था, क्यूप्रिक आया, ठीक है। क्यूप्रस में प्लस था कापर पर एक और क्यूप्रिक में दो रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। ऐसे मर्क्यूरिक आया तो मर्क्यूरस में एक रहा होगा, ठीक है। स्टेनस अगर यहाँ आस आया तो इसका एक वाला भी आएगा, इसके एक पर चार मतलब कि प्लस रहेंगे, तो वो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, आप यही समझ लीजिए। स्टेनस के बाद जो स्टैनिक आएगा आपका, स्टैनिक, उस स्टैनिक का होगा यस्मियन चार प्लस, उसके ऊपर चार प्लस रहेगा। प्लम्बस, प्लम्बिक भी आएगा, प्लम्बिक, तो प्लम्बिक में पीबी पर भी कितना रहेगा, चार प्लस, ये आप ध्यान दें। निकलस है तो निकलिक का जो आएगा उस पे तीन प्लस रहेगा, तो तीन वाला मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे कोबाल्टस है तो उसका भी आगे आएगा। जिंक आयन लिखा है, मतलब जिंक की दो संयोजकता नहीं होती, यहाँ जिंकस और जिंक ऐसा कुछ नहीं लिखा, जिंक लिखा है इसकी एक ही संयोजकता होती है। यहाँ पे कैडमियम लिखा है, मतलब इसकी भी एक ही संयोजकता, आप यहाँ पर जो सामान्य संयोजकता है वही आप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप यदि एक दो बार देखें, याद तो करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं बनेगा। क्या लिखा है, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, बेरियम, क्योंकि ये बेरियम है वो बेरिलियम है, फेरस आयन, स्टेनस आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरस आयन, स्टेनस आयन, ठीक है, मैंने इसको दो बार लिखा, सॉरी आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लम्बस आयन, निकलस आयन, कोबाल्टस आयन, जिंक आयन, कैडमियम आयन, बेरिलियम आयन का सूत्र बीई डबल प्लस, मैग्नीशियम का एमजी डबल प्लस, कैल्शियम का सीए डबल प्लस, स्ट्रॉन्शियम का एसआर डबल प्लस, बेरियम का बीए डबल प्लस, फेरस का एफई डबल प्लस, स्टेनस का एसएन डबल प्लस, क्यूप्रिक का सीयू डबल प्लस, मर्क्यूरस का सॉरी मर्क्यूरिक का एचजी डबल प्लस, स्टेनस का एसएन डबल प्लस, प्लम्बस का पीबी डबल प्लस, निकलस का एनआई डबल प्लस, कोबाल्टस का सीओ डबल प्लस, जिंक का जेडएन डबल प्लस, कैडमियम का सीडी डबल प्लस, और सब पर डबल प्लस इसलिए संयोजकता सबकी क्या होगी, प्लस। तो इसके बाद हम ट्राइवेलेंट आयन की बात करेंगे, टेट्रावेलेंट आयन में जो बन सकते हैं वो मैंने वहां पर बताया, इससे ज्यादा टेट्रावेलेंट आयन आपको देखने को नहीं बनते, सबसे ज्यादा मोनो, डाई और ट्राई ही बनते हैं, ठीक है। मोनो मैंने बता दिया, डाई या फिर बाई भी आपने समझा, अब ट्राइवेलेंट जो आयन होंगे धन आयन वो देखेंगे, फिर ऋण आयनों का भी ऐसे मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राइवेलेंट देखेंगे, ठीक है। इसके चलिए अब त्रिसंयोजी आयन, मतलब हमने धनायन में एक संयोजी आयन देखा, दो संयोजी आयन देखा, त्रिसंयोजी आयन, एल्युमिनियम आयन, फेरिक आयन, निकलिक आयन, कोबाल्टिक आयन, ये सब त्रिसंयोजी आयन होते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम पर तीन प्लस है, एफई पर भी तीन प्लस है, एनआई पर भी तीन प्लस है, कोबाल्ट पर भी तीन प्लस है, इसलिए ये एल्युमिनियम आयन भी त्रिसंयोजी आयन है, फेरिक आयन भी त्रिसंयोजी आयन है, निकलिक आयन भी त्रिसंयोजी आयन है, कोबाल्टिक आयन भी त्रिसंयोजी आयन है, संयोजकता इन सबकी प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन और प्लस तीन। तो धनायनों के बारे में हमने समझ लिया, उसकी पूरी लिस्ट हमने आपको समझा दिया, अब बारी है ऋण आयन। हमने लिखा है यहाँ पर ऋण आयन या फिर अम्लीय मूलक, अंग्रेजी में एनायंस या फिर एसिडिक रेडिकल्स। अब ऋणायनों में भी आएगा एक संयोजी आयन, तो पहले मैंने एक संयोजी आयन दिखाया, इसके बाद मैं द्विसंयोजी आयन भी आपको बताऊंगा, त्रिसंयोजी आयन भी ऋणायनों में बताऊंगा। सबसे पहले एक संयोजी आयन ऋणायन में हम देख लेते हैं, लिखा है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो देखिए मैंने पहले ही बताया, जहां आइड रहेगा वह सिंगल एटम का होगा, ठीक है। अब जैसे यहां क्लोराइड, तो सीएल सिंगल एटम, क्लोरीन सिंगल एटम, उस पर माइनस लगा दें, भाई माइनस वन तो सब पर लगेगा, क्योंकि हम एक संयोजी आयन के बारे में पढ़ रहे हैं।
फिर ब्रोमाइड पर ब्रोमाइड का क्या होगा, Br माइनस, आयोडाइड का आई माइनस, फ्लोराइड का एफ माइनस, ठीक है, सब में आई था इसलिए हमने सिंगल एटम लिखा। नाइट्राइट, अब आइट और एट जैसी चीजें आ रही है तो यहाँ सिंगल एटम तो नहीं रहेगा। नाइट्राइट और नाइट्रेट में आप जानते हैं ऑक्सीजन का फर्क रहेगा, बाकी वैलेंसी वही रहेगी। नाइट्राइट का NO2 माइनस, नाइट्रेट का NO3 माइनस। अब हाइड्रोक्साइड, यहाँ आइड आया लेकिन मैंने हाइड्रोक्साइड और साइनाइड को बोला था कि अपवाद है, इनमें मतलब सिंगल एटम नहीं है, फिर भी इनमें आइड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, साइनाइड आयन CR माइनस, एसीटेट आयन CH3COOH माइनस, एसीटेट आयन CH3COOH माइनस, ठीक है। एक बार यहां तक आप फिर से देखिए, क्लोराइड आयन CR माइनस, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, आयोडाइड आयन I माइनस, फ्लोराइड आयन F माइनस, नाइट्राइड आयन NO2 माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, साइनाइड आयन Cl माइनस, एसीटेट आयन CH3COO माइनस। संयोजकता सबकी माइनस एक होगी। देखिए ये आयन के नाम थे तो मैंने अलग से नहीं लिखा, ये आयन के नाम है, ये उनका प्रतीक है, ये उनकी संयोजकता है। कुछ और प्रमुख है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस। देखिए अब यहां से यहां तक जो चार चीजें लिखी गई आप इन्हें जरा ध्यान से देखें, आपको हमेशा याद रहेगा। क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, पर क्लोरेट में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, पर क्लोरेट क्लोरेट, क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, ध्यान दें, सबसे पहले आप क्लोरेट को याद कर लें, ठीक है। जो क्लोरेट का सूत्र होगा ClO3 माइनस, ClO3 माइनस। अब क्लोरेट एट से आइट आएंगे, ऑक्सीजन कम होगा, चार्ज नहीं, बैलेंसी नहीं, ऑक्सीजन कम होगा, तो क्लोरेट से क्लोराइट आए, आइट आ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, ClO3 माइनस से ClO2 माइनस हो गया। अब पर लगाना हो, मतलब पर तो ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, जब पर लगेगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, क्लोरेट से पर क्लोरेट एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, क्लोरेट से आई एक ऑक्सीजन घट गया। अब आइट में अगर हाइपो लगा दिया जाए तो एक और घट जाएगा ClO माइनस। तो ध्यान दें, क्लोरेट का ClO3 माइनस, आइट आ जाएगा तो ClO2 माइनस, पर आ जाएगा तो ClO4 माइनस, और आइट में ही हाइपो आ जाएगा तो उससे एक और कम ऑक्सीजन हो जाएगी। इस तरह से आप इसे याद रखें। बाइसल्फाइड आयन HS माइनस, और परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, ठीक है, परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस। तो आप यह भी पूरा याद रखें, थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद आपसे केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से बनेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए अब द्विसंयोजी आयन, बाइवेलेंट आयन ऋण आयन, बाइवेलेंट आयन आप जान लीजिए, फिर ट्राइवेलेंट आयन जान लीजिए, उसके बाद आपको रासायनिक सूत्र बनाना आने लगेगा। अब द्विसंयोजी आयन जो बाइवेलेंट आयन है उसमें होता है ऑक्साइड, परऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। एक बार फिर से देखें, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। ऑक्साइड का O डबल माइनस, परऑक्साइड का O2 डबल माइनस, देखिए आइड आया इसलिए सिंगल एटम, ठीक है, परऑक्साइड तो पर हो गया एक ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा, सल्फाइड आई आया सिंगल एटम डबल माइनस क्योंकि द्विसंयोजी है, सल्फाइट आइट आया इसलिए सिंगल एटम से अधिक है, ठीक है ये, और एट हो गया उससे एक ऑक्सीजन अधिक हो गई, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, ठीक है। अब जैसे यहाँ सल्फेट तो सल्फाइट हो गया, तो कार्बोनेट तो कार्बोनाइट नहीं होता, केवल कार्बोनेट ही होता है, क्रोमेट CrO4 डबल माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल माइनस, जी हाँ क्रोमेट CrO4 डबल माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल माइनस। अब त्रिसंयोजी ऋण आयन में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, नाइट्राइड देखिए आइड आया सिंगल एटम, फास्फाइड आइड आया सिंगल एटम, एट
तो देखिए सिंगल सेडिक हो गया, एक फिर सिंगल सेडिक हो गया, तो नाइट्राइड का एन ट्रिपल माइनस, फास्फाइड का पी ट्रिपल माइनस सल, फास्फेट का पीओ फोर ट्रिपल माइनस एंड बोरेट का बीओ थ्री ट्रिपल माइनस। इसके संयोजकता जितना इस पर चार्ज होता है उतनी ही होगी। अब आपको पूरी लिस्ट मिल चुकी है धनायन की और ऋणायन की। अब हम रासायनिक सूत्रों को बना सकते हैं, बट आज की क्लास काफी मतलब की बड़ी हो गई है, काफी ज्यादा टाइम हो गया आज की क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सूत्र भी बता देंगे। तब तक आप ये आयंस नेम और उनके जो प्रतीक होते हैं, उनकी जो संयोजकता होती है, वो जरूर याद रखें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।